ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज टॉपिक इज बायोकेमिस्ट्री ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सेल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के इसमें क्या क्या हैं, यू हैव टू नो अबाउट पीएच, पीएच स्केल, एसिड एंड बेसिस, देन हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन जिसको एचएच इक्वेशन भी कहते हैं, एंड मेन बफर्स ऑफ द बॉडी एंड देयर रोल इन कंट्रोलिंग बॉडी पीएच। आप लोगों ने इसमें से वही वाले टॉपिक्स करने हैं जो आप लोगों के कोर्स में लिखे हैं, ठीक है। चैटर्जी में बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल भी लिखी है, वो आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है। आप लोगों ने वही वाले टॉपिक्स करने हैं जो आप लोगों के कोर्स में या सिलेबस में गिवन है। फॉर न्यू कमर्स देर इज अ BDS कोर्स विच इज बीन गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और मैंने भी आप लोगों को जूम की मीटिंग में सेंड किया था। ये आप लोग उससे कंसल्ट करें और जो टॉपिक्स उसमें लिखे हुए हैं बस वही टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं। बायोमेडिकल इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी फ्लूइड्स को पढ़ने की, वो ये है कि जो भी एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में बनता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर दी मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी एंड ऑलमोस्ट ऑल दी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन एसिड बेस स्टेटस ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज़ ऑफ प्राइम रिक्विजिट्स ऑफ लाइफ एंड एनी वेरिएशन इन ईदर साइड सीरियसली डिस्टर्ब्स द वाइटल प्रोसेस and may lead to death. pH का बहुत important role है हमारे body के biological system को maintain रखने में, because enzymes can only work at an optimum pH. various body fluids and cell organelles, for example, maintain a specific pH in order to allow the activity of enzymes located there. फिर सेकेंडली जितनी भी फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेसिस एंड दे डिपेंड ऑन पीएच विच एनेबल्स देम टू मेंटेन प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पीएच रिक्वायर्ड फॉर दोज न्यूक्लिक एसिड बेसिस। फिर एज यू नो कि पीएच ये जो पीएच को डिवाइस किया गया है इसमें जो एच का मतलब है दैट इज एच पॉजिटिव आइन्स, और हाइड्रोजन आइन एच पॉजिटिव आइन कौन सा होता है, दैट इज अ हाइड्रोजन आइन दैट कंटेन्स ओनली सिंगल प्रोटॉन। इट इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल एंड इट शोज सीवियर इफेक्ट्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इवन एट वेरी लो कंसेंट्रेशंस। नॉर्मल जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज अबाउट 38 टू 42 नैनोमोल्स पर लीटर। पीएच टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम सोरेनसन इन 1909 एंड इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। एंड सिंबल पी जो इसमें डिनोट करता है दैट डिनोट्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द बेस 10 ऑफ क्वांटिटी ऑफ एच पॉजिटिव। ओके, एज वी ऑल नो के वाटर हैज अ एबिलिटी टू डिसोसिएट इन टू टू आइन्स दैट इज प्रोटॉन्स एंड हाइड्रोक्सिल आइन्स। An ionic value of water is about 10 to 14. Pure water से हम इसमें दोनों अगर हम H positive और OH की concentration अलग अलग से निकालना चाहें और उससे हम pH निकालना चाहें तो pure water की pH कितनी होगी कि hydrogen ion की concentration और जो hydroxyl ion की concentration है उसको हम आपस में add कर दें, तो जब हम उसको add करेंगे तो जो negative का sign है उसकी वजह से जो हमारे पास pH of water आएगी that will be 7।
क्योंकि पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ बेस ऑफ 10, और हाइड्रोक्सी लाइन जो है वो जो उसके हाइड्रोक्सी लाइन थोड़े कम होते हैं तो उसका जो नेगेटिव लॉग होगा वो 7 आएगा. तो जब हम 10 में से 7 को माइनस वो तो अगर हम वाटर की पीएच निकालेंगे एट न्यूट्रल पीएच अगर वाटर की निकालेंगे तो दैट विल बी अराउंड 7. फिर एक बात है कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीजेस द पीएच दैट इज एसिडोसिस. रिडक्शन इन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो है दैट विल इंक्रीज द पीएच एंड इट विल लीड टू अल्कलोसिस. An increase in pH by 1-fold requires a 10-fold decrease in hydrogen ion concentration. 10 times अगर hydrogen ion concentration को अगर हम decrease करें तो 1-fold pH increase होगी. Pure water की pH जो है that is 7 और alkaline pH is greater than 7. Acidic pH is less than 7. नॉर्मल पी एच ऑफ ब्लड प्लाज्मा रेंज इज फ्रॉम 7.35 टू 7.45 एंड मिनिमम वैल्यू जो भी रिकॉर्ड की गई है विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज 7 एंड मैक्सिमम अल्कलाइन पी एच जो रिकॉर्ड की गई है दैट इज 7.7. पी एच स्केल ये आप लोगों ने एफ एस सी में भी पढ़ा होगा. पी एच स्केल डिफरेंट ये एक स्ट्रिप सी होती है टेप की तरह की, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस की पी एच जो है उसको चेक करके उसको मेंशन करना होता है या उसको रजिस्टर करना होता है अपनी कॉपीज में. इसमें जो रेडिश कलर्स हैं ना ये सारे एसिडिक पी एच वाले हैं, बीच में जो ग्रीनिश कलर्स हैं ये न्यूट्रल पी एच को शो करें यानी 7, और फिर ब्लूइश टोन में जो कलर्स जा रहे हैं ना दे शो बेसिक पीएच. आप इसमें देखें कि न्यूट्रल पीएच जो है वो 7 के आगे अगर पीएच हम ज़्यादा कर रहे हैं 7 से तो वो बेसिक पीएच बन रही है, और अगर 7 से कम कर रहे हैं तो वो एसिडिक पीएच की तरफ जा रही है. अब किसी भी सॉल्यूशन में हम उसकी एसिडिटी और अल्कलाइनिटी कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इंडिकेटर्स की हेल्प से. इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं और लिटमस पेपर होता है. फिर इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स में पीएच मीटर रहता है. इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड द एसिडिक और अल्कलाइन रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशंस. द इंडिकेटर्स मे बी यूज्ड इन केमिकल इंडिकेटर्स एंड पीएच पेपर. इंडिकेटर जो है ना दैट इज बेसिकली अ वीकली आयनाइजिंग एसिड और अ बेस व्हिच हैज अ डिस्टिंक्ट कलर इन द अनआयनाइज्ड स्टेट एंड डिफरेंट कलर इन द आयनाइज्ड स्टेट. जब हम उसको किसी भी एसिड और बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें पीएच का पता चल जाएगा जिस सॉल्यूशन में हम उसको डाल रहे हैं. केमिकल इंडिकेटर्स में कौन कौन से आते हैं? हमारे पास मिथाइलीन ब्लू है एंड कॉन्गो रेड. फिर लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा लेबोरेटरीज में, या लिटमस पेपर इस तरह का होता है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं और साथ इसमें पीएच की रेंजेस लिखी होती हैं. जो कलर आए आपने आपके सॉल्यूशन का सपोज करें कलर ये आता है तो आप उसको जब मैच करेंगे तो वो दैट मीन्स कि उसकी पीएच 3 है. अगर सपोज करेंगे कलर ये आता है तो आप उसको मैच करेंगे तो उसकी पीएच 6 है. ठीक है, लिटमस पेपर इट चेंजेस इन ऑन कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन. इट टर्न्स 10 रेड विद एसिडिक एंड ब्लू विद अल्कलाइन सॉल्यूशंस. फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है जिसमें हम पीएच मीटर को यूज करते हैं. पीएच मीटर डिटरमिन्स द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड पीएच ऑफ प्लाज्मा इज डिटरमाइंड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट.
फिर एसिड्स एंड बेसिस का, बफर्स का कॉन्सेप्ट आपको तब समझ आएगा जब आपको एसिड्स एंड बेसिस का पता हो. एन एसिड इज बेसिकली अ सब्सटेंस दैट यील्ड्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन. और एसिड्स हैव द एबिलिटी टू डिसोसिएट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन्स और प्रोटॉन्स इन सॉल्यूशन. ऑन द अदर हैंड बेस इज अ सॉल्यूशन. Base is defined as a substance that combines with hydrogen ions in solution or that can dissociate and produce hydroxyl ions. ठीक है, ये एच ए जो है दैट इज यूज फॉर बेस, सॉरी ये एच ए जो है दैट इज यूज फॉर एसिड. इसमें अगर हम इसको डिसोसिएट कर दें तो ये हमारे हाइड्रोक्सिल आयन देगा और एच पॉजिटिव देगा, और एसिड जो है उसको अगर हम डिसोसिएट करें तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आएगा और बेस की सूरत में 7 नेगेटिव आयन्स निकलेंगे. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो के लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू एनायन्स एंड केटायन्स इवन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशंस. On the other hand, weak acid dissociate only partially in acidic solutions. For strong bases जो हैं, for example, potassium hydroxide or sodium hydroxide are completely dissociated at high pH, but weak bases are not completely dissociated. At high pH. सिमिलरली ये आपका एफ एस सी का कॉन्सेप्ट हो, आप लोगों को याद हो, शायद अगर नहीं भी याद तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा. स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड में जो जो अगर हम एच सी एल को डिसोसिएट करें तो वो हमें क्या देगा, प्रोटॉन्स देगा और साथ क्लोराइड क्लोराइड के आइंस देगा. क्लोराइड के आइंस जो हैं दिस इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस फॉर एच सी एल. एंड वीक एसिड फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, इट यील्ड्स एच पॉजिटिव आइंस. एंड बायोकार्बोनेट आइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू एच पॉजिटिव आइंस. एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. ये मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा और वीक एसिड जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा. कार्बोनिक एसिड इज बेसिकली अ वीक एसिड. फिर हम ह्यूमन बॉडी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है दैट विच टू टाइप्स ऑफ एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी. दीज आर वॉलेटाइल एसिड्स एंड नॉन वॉलेटाइल एसिड्स. अब वॉलेटाइल एसिड्स कौन कौन से हैं? वॉलेटाइल उस कंपाउंड को कहते हैं जो जिसमें एबिलिटी हो वेपोरेट होने की, या जिसमें एबिलिटी हो जल्दी ख़त्म होने की, या जो गैसियस फॉर्म में हो. वॉलेटाइल एसिड जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, इट इज डिसॉल्वड इन वाटर. एंड व्हेन इट डिसॉल्वड इन वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. इन कार्बोनिक एसिड व्हेन इट फर्दर एड्स वाटर तो उसमें क्या होता है कि वो बाइकार्बोनेट आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये जो रिएक्शन है ये एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स में होता है. जिन भी सेल्स में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है उन सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है. फिर नॉन वॉलेटाइल एसिड्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर? नॉन वॉलेटाइल एसिड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स. And they are basically real threat to acid-base status of the body. इसमें कौन कौन से sulfuric acid produced during oxidation of sulfur-containing amino acids like cysteine, cysteine and
फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइटरी फॉस्फोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फेटाइड्स एंड फॉस्फोएस्टर्स. फिर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं लाइक पायरूविक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड एसिटोएसिटिक एसिड. और हाइड्रोजेनिक है, फॉर एग्जाम्पल मेडिसन की फॉर्म में जो हम लेते हैं हाइड्रोजेनिक, उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से मिली हो या आपको किसी फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की हो या सेल्फ मेडिकेशन जो लोग करते हैं दैट इज हाइड्रोजेनिक. सर्टेन मेडिसन उसमें लाइक अमोनियम क्लोराइड, मैंडेलिक एसिड, ये जो है डिफरेंट मेडिसिन में डली होती हैं. ये भी अगर आप अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी में लें तो दे नॉन वॉलेटाइल एसिड इन ह्यूमन बॉडी. फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिटरमिनेशन ऑफ एसिड बेस स्टेटस, ये किस तरह से करना है आपको. डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड बेस स्टेटस ये किस तरह से आप लोगों ने करना है. अब जो ह्यूमन बॉडी का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते एसिड बेस स्टेटस, इट इज वेरी डिफिकल्ट. इंडेक्स मेथड हम यूज करते हैं दैट इज बाय द यूज ऑफ एचएच इक्वेशन और हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन. और इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं कि इन ऑर्डर टू यूज द एचएच इक्वेशन वी मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन फ्लूइड आर मेजर्ड. और इस इक्वेशन की जो डेरिवेशन रिजल्ट हैं वो किस तरह है कि पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव ओवर एचए. इसको आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है. ये आप लोगों को कोई इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है या एंडरसन हेसलबैक इक्वेशन को आपको डिफाइन करना है, यू हैव टू राइट दिस. और इन अदर वर्ड्स पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एसिड. और ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस से हम देखें तो इसको किस तरह से कहेंगे, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ बायकार्बोनेट आयन डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. पीके इसमें क्या है, पीके इज बेसिकली अ कांस्टेंट. आप लोगों ने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में डेरिवेशंस करते हुए देखा होगा कि कांस्टेंट जरूर निकलता है. तो हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन का जो कांस्टेंट दैट इज पीके and pKa is the negative log of dissociation constant which is a measure of the strength of an acid or base. pKa is known for every acid and it is fixed for every acid. pKa is equal to H positive multiplied by base divided by in dono ka jo product hai acid or base ka. pKa of an acid is generally defined as the pH at which the protonated and unprotonated species are present in equal concentrations. और इसको हम इस तरह से भी define कर सकते हैं कि the pH where a drug or a substance exists as 50% ionized and 50% unionized state. एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल जो है जो भी बॉडी में प्रेजेंट है इट विल बी प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड डिपेंड्स अपॉन द पीके ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. अब डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसको हम रिलेट कर सकते हैं पीएच और पीके को. वो कौन कौन सी कंडीशन है उसमें, फर्स्ट वन इज इफ पीएच इज इक्वल टू पीके दैट मीन्स के इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ठीक है, इफ सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ पीएच इज लेस देन पीके देन
प्रोटोनेटरी डिशेस फॉर्म जो है वो प्रीडोमिनेंट करेगी इन सॉल्यूशन. अगर पीएच इज ग्रेटर देन पीके देन डीप्रोटोनेटेड बेस फॉर्म जो है दैट विल बी प्रीडोमिनेंट इन सॉल्यूशन. ये थ्री डिफरेंट कंडीशन है पीएच और पीके के रिलेशन की. नॉर्मल एसिड बेस रेशियो जो है हमारे पास दैट इज 1:20 होती है. वन पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 20 पार्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट. सो पीएच ऑफ ब्लड जो है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में शोज दी मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयन्स. सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि अगर हमें किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच पता होगी तो हम सॉल्ट और एसिड का जो रेशियो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इससे. रिसर्च पर्पसेस के लिए हम बफर सॉल्यूशन बना भी सकते हैं बाय वेरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड. जितनी भी ये जो पीसीआर होते हैं ना जो आजकल बहुत हो रहा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये सारे जो मेथड्स होते हैं इसमें हमें एक बफर सॉल्यूशन बनाना होता है. बफर सॉल्यूशन इनके प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है. तो वो किस तरह से बनता है कि हम पीएच देखते हैं और उसके बाद उसको एक खास कंसंट्रेशन का जो एक खास पीएच का जो सॉल्यूशन है ना वो बनाना होता है इन प्रोसीजर्स को करने के लिए. अदर एप्लीकेशंस इसकी क्या है कि मोस्टली जो ड्रग्स हैं हमारी बॉडी में जो हम लेते हैं दीज आर वीक एसिड्स और वीक बेसिस. स्टमक पीएच जो हमारे पास 1.5 होती है. एस्पिरिन अ वीक एसिड जिसकी पीएच 3.5 है विल बी प्रोटोनेटेड एंड अनचार्ज्ड. और अनचार्ज्ड ड्रग्स जो हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास कर सकती हैं एंड दे कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन्स. फिर हम बात कर लेते हैं थोड़ी बफर्स की. बफर सॉल्यूशन जो है दैट इज बेसिकली अ सॉल्यूशन दैट टेंड्स टू मेंटेन इट्स पीएच. व्हेन एवर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट. बफर सॉल्यूशन जनरली कंसिस्ट ऑफ वीकली डिसोसिएटिंग एसिड प्रोटॉन डोनर एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट. फिर एक प्रोसेस होता है बफरिंग मैकेनिज्म. बफरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस इज रिप्लेस बाय वीकर वन विद अ कंसिक्वेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोजन आइंस एंड देयरफॉर चेंजेस इन बेसिस सॉरी चेंजेस इन द पीएच. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है बफर्स का या बफरिंग मैकेनिज्म्स क्या क्या है. अगर हमने पीएच को एसिडिक होने से रोकना है तो उससे क्या होगा कि जब भी हम आपको पता है कि जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है हमारे पास सॉल्ट बनता है. तो सॉल्ट की पीएच तो न्यूट्रल हो जाती है सॉल्ट एसिडिक तो नहीं होता ना. तो इस वजह से एडिड हाइड्रोजन आइन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन विद एन आइन्स फ्रॉम द सॉल्ट कंपोनेंट ऑफ बफर टू वीकली डिसोसिएट एसिड एंड बेस सो दैट पीएच डज नॉट बिकम एसिड. और जितने भी हाइड्रोक्सिल आइन्स अगर हम बॉडी में स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा हो जाएगी किसी फॉर्म में तो इट कंबाइन्स विद हाइड्रोजन आइन्स और वो क्या करेगी और वो हमारे पास क्या करेगी कि वो वीकली डिसोसिएबल वाटर बना देगी सो दैट पीएच डज नॉट बिकम
एल्कलाइन मीन सिंपल बात यह है कि अगर हम हाइड्रोजन आइंस डालेंगे बॉडी में तो दे विल कंबाइंड विद एन आइंस, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल आइंस और एनी अदर आइंस, और जिसकी वजह से जो भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइंस एंटर हुए हैं ना वो पीएच मेंटेन ही रहेगी बॉडी के अंदर, वो एसिडिक पीएच की तरफ नहीं जाएगी। और अगर हाइड्रोक्सिल आइन बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं तो वो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइन्स हैं बॉडी में उसके साथ कंबाइन कर जाएंगे और वो क्या करेंगे कि पीएच को अल्कलाइन नहीं होने देंगे या पीएच को रेज नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल इसकी क्या है कि अगर सपोज करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एंड ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर और वो बॉडी में जाके एचसीएल के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड और सोडियम क्लोराइड बना देगा। सोडियम क्लोराइड का तो कोई रोल नहीं है ऐसा, वो तो सॉल्ट है सिंपल, तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एसिड बनेगा दैट इज अ वीक एसिड। और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बॉडी को उस तरह से बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है एज कम्पेयर टू दिस एक्स्ट्रा एचसीएल और एक्स्ट्रा बेस। कार्बोनिक एसिड विल डिसोसिएट इनटू एच पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयन्स ऑन एक्सपोजर विद वाटर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बफर्स क्या है कि अगर जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर बॉडी में बेस, अगर आप बेस ज्यादा हो गई है तो वो कंबाइन कर जाएगी एच पॉजिटिव के साथ, और अगर एसिड ज्यादा हो गया है तो वो कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। बफर सिस्टम जो है ना दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी स्ट्रॉन्ग और बेसिड एसिड और बेस विच माइट गेट एंट्री इन टू द लिविंग सिस्टम। और इसी बफर मैकेनिज्म की वजह से हमारी बॉडी की पीएच जो है वो मेंटेन रहती है डिस्पाइट ऑफ टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एसिडिक फूड्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स और टेकिंग लेस वाटर। तो ये सारी जो हैं चीज़ें ही हैं बफर मैकेनिज्म हमें प्रिजर्व करते हैं ह्यूमन बॉडी को फ्रॉम रेज और डिक्रीज इन पीएच। कौन कौन से बफर सिस्टम्स हैं बॉडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर सिस्टम्स का क्वेश्चन हमेशा आता है क्वेश्चन पेपर में। बॉडी फ्लूइड्स हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम्स विच आर बायकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। आप थोड़ी ब्रेक ले लें 5 मिनट्स की, फिर मैं आपको ये कराती हूँ। ओके जी, नाउ वी स्टार्ट द बफर सिस्टम्स ऑफ बॉडी। दे आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी। दीज आर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम। प्लाज्मा में जो मेन बफर है ह्यूमन बॉडी में दैट इज बाइकार्बोनेट, प्रोटीन्स कम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बफर इन प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर है बायोकार्बोनेट। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी मेन बफर इज बायोकार्बोनेट और माइनर बफर इज फॉस्फेट बफर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेन बफर कौन सी है, बायोकार्बोनेट, और माइनर बफर इज फॉस्फेट बफर। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेन बफर्स आर प्रोटीन एंड फॉस्फेट, क्योंकि इंट्रा सेलुलरली हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है और फॉस्फेट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज सेल के अंदर प्रोटीन ज्यादा हैं। सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, उसमें डीएनए आरएनए है, उसमें राइबोसोम्स हैं, उसमें प्रोटीन जनरेटिंग फैक्ट्रीज हैं, तो उसमें प्रोटीन्स भी ज्यादा हैं और फॉस्फेट भी ज्यादा हैं, बिकॉज सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड की वजह से फॉस्फेट ज्यादा है। आरबीसीज की जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी मेन बफर्स आर प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन एंड फॉस्फेट।
बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की नॉर्मल रेशो जो है ब्लड में दैट इज 20:1, और ची इट इज अ चीफ बफर ऑफ ब्लड एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग और नॉन वोलेटाइल एसिड्स जो कि एंटर होते हैं ईसीएफ में एक्सीडेंटली और ड्यू टू मेडिसन और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी, वो जो भी न्यूट्रलाइज होते हैं दीज आर ड्यू टू बाइकार्बोनेट बफर्स। एडवांटेजेस क्या है बाइकार्बोनेट बफर्स की? इट इज प्रेजेंट इन वेरी हाई कंसेंट्रेशन एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड एंड वॉलेटाइल कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एक्सहेल्ड आउट। इट इज अ वेरी गुड फिजियोलॉजिकल बफर एंड एक्ट्स एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस इन न्यूट्रलाइजिंग द स्ट्रॉन्ग और वॉलेटाइल एसिड्स दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। डिसएडवांटेजेस की क्या है कि इट इज अ केमिकल बफर। एज अ केमिकल बफर इट इज वीक एंड पी के इज फर्दर अवे फ्रॉम फिजियोलॉजिकल पी एच। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट बफर इन ह्यूमन बॉडी इज अ फॉस्फेट बफर सिस्टम। नॉर्मली रेशो इसकी है 4:1 एंड इट वर्क्स इन कंजुगेशन विद किडनीज। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है कि कंसंट्रेशन इन ब्लड इज वेरी लो। एज अ फिजियोलॉजिकल बफर इट इज लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू बाइकार्बोनेट। एडवांटेजेस इसकी क्या है कि एज अ केमिकल बफर इट इज वेरी इफेक्टिव एंड बेटर एज पी के अप्रोचेस फिजियोलॉजिकल पी एच। फिर जो इम्पोर्टेंट बफर है दैट इज अ प्रोटीन बफर सिस्टम। इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट्स इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। सो दैट वाज ऑल अवर डिस्कशन अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स। रेस्ट जो आपका टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस, ये जो सारी चीजें हैं ये डॉक्टर अली डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज 1 to 2 उनका लेक्चर है, उसमें डिस्कस होंगी। बट कीप इन माइंड आप लोग अपने टॉपिक सिलेबस से देख लेना और उसी से फिर तैयारी करें आप लोग। जो हेंडरसन हिस्टेरेसिस इक्वेशन है इट बेसिकली शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ पी के ए एंड इट्स रिलेशन टू द पी एच वैल्यूज। ठीक है, एंड इट इज यू कैन राइट इट लाइक दिस, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ एसिड ओवर प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ बेस ओवर एसिड। पी के इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट विच इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस एंड इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एसिड। के को हम किस तरह से लेते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस डिवाइडेड बाय दी एच कंसंट्रेशन, दैट इज द टोटल एसिड और बेस कंसंट्रेशन जो है उसे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। पी के इज डिफाइंड एज द पी एच एट विच द प्रोटोनेटेड एंड अनप्रोटोनेटेड स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इक्वल कंसंट्रेशन, और अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड जो सब्सटेंसेज हैं वो इक्वल अमाउंट प्रेजेंट हों तो उसको हम उस वैल्यू को हम पी के कहेंगे। पी के और पी एच का रिलेशन किस तरह से है कि इफ पी एच इज इक्वल टू पी के देन इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट। इफ पी एच इज लेस देन पी के देन प्रोटोनेटेड एसिड फॉर्म प्रीडोमिनेट्स एंड इफ पी एच इज ग्रेटर देन पी के देन प्री डी प्रोटोनेटेड बेस फॉर्म इट प्रीडोमिनेट्स।
नॉर्मल एसिड बेस रेशियो जो हमारी बॉडी में होते हैं दैट इज 1:20, दैट इज 1 पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 20 पार्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स. इनडायरेक्टली हम मेयर करते हैं एच पॉजिटिव आयंस को और उससे हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का बैलेंस. अगर सिग्निफिकेंस इसकी क्या है इस इक्वेशन की, कि अगर हमें किसी भी पीएच पता हो किसी भी बफर सोल्यूशन की, तो हम उससे रेशो ऑफ सॉल्ट और एसिड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिसर्च पर्पजेस के लिए ये हमें रिक्वायर्ड होता है. अदर एप्लीकेशंस क्या हैं, कि जैसे स्टमक की पीएच 1.5 होती है, तो उसमें अगर किसी बंदे ने एस्पिरिन खाई है तो एस्पिरिन की पीएच जो है एस्पिरिन पी के वैल्यू इज अराउंड 3.5, और एस्पिरिन जो है वो अनचार्ज हो जाएगी स्टमक की पीएच में जाके. और अनचार्ज होने की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एस्पिरिन जो है वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकेगी और वो स्टमक से गुजर के आगे चली जाएगी इंटेस्टाइन वगैरह में और फिर वो किडनी से सीक्रेट हो जाएगी. बफर्स मैंने आपको बता दिया जो मेंटेन करते हैं पीएच हमारी बॉडी की, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू देम. और जो इंपॉर्टेंट बफर्स हैं ह्यूमन बॉडी में, दीज आर बायकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम. बाइकार्बोनेट जो है वो ECF में इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट बफर सिस्टम इंट्रासेलुलरली इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन बफर सिस्टम भी इंट्रासेलुलरली इंपॉर्टेंट है.